हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम आज एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जो एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड होगी जो शायद ही आपने कहीं इंटरनेट के ऊपर मिला हो। काफ़ी विद्यार्थियों के ये कमेंट्स आ रहे हैं बार बार वीडियो के ऊपर या लाइव जब भी इंटरेक्शन होती है हमारे साथ, तो सभी के ये कमेंट आ रहे हैं कि जो कंप्यूटर है जिस भी एग्ज़ाम्स के अंदर आता है HSSC के, वो इतना कंफ्यूज करता है सभी बच्चों को, तो बहुत ही ज़्यादा। तो उससे रिलेटेड उनको वीडियो चाहिए है और वही वीडियो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है और उस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगातार आप हमारे से जुड़े रहिए, इस चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो जो है मिलती रहेंगी, क्योंकि एक वीडियो में हम सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते, एक दो टॉपिक ही आज हम कंप्लीट करवा पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, आपके फीडबैक देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक 2018 के अंदर, दिसंबर 2018 के अंदर महिला पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वही टॉपिक लेंगे, दो क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से संबंधित, वही क्वेश्चन हम उठाएंगे आज और वही टॉपिक आज कवर करेंगे हम। क्वेश्चन क्या था? 54वां क्वेश्चन था, ये 54th नंबर का क्वेश्चन था, महिला पुलिस कांस्टेबल दिसंबर 2018। निम्न में से कौन सा 3.0 में फ्लोर युक्त विभाजन है, फ्लोर युक्त विभाजन है। इसके बीच में पाइथन भी हो सकता है, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये, पाइथन भी हो सकता है इसके बीच में। और तो ऑप्शन आपके सामने थे, ए ऑप्शन था स्लैश, बी ऑप्शन था डबल स्लैश, सी ऑप्शन था परसेंटेज और डी ऑप्शन था स्टार, एस्ट्रिक्स जिसको कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको बताया कि 2018 दिसंबर महिला पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया था। सेकंड क्वेश्चन आया था आपका ये 2018 का, और अभी 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ क्लर्क का, उसके अंदर क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन थे आपके सामने, पहला, सेकंड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था और फोर्थ ऑप्शन था, ये ऑप्शन थे आपके सामने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन HSSC के अंदर पूछे जा रहे हैं, जिससे बच्चों को ये लग रहा है कि मतलब जो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है या साइंस से रिलेटेड है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, टॉपिक ही ये करने जा रहे हैं आज हम, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं और कहाँ से हैं और कौन से टॉपिक से हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो क्या है ये, इसका आंसर जो आ रहा है 3.0 का, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आया, और इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अभी डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये, कौन से ऑपरेटर हैं, कौन सी लैंग्वेज में यूज होते हैं, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले आपको ये बता दें कि लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऊप्स एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, वो C++ भी हो सकती है आपकी, वो जावा भी हो सकती है, वो पाइथन भी हो सकती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई बच्चे एक एग्जाम में पूछ लिया कि पाइथन में ये ऑपरेटर है किस प्रकार से यूज होता है, आप सोचते हैं कि ये तो पाइथन से पूछ रहा है, अगले पेपर में वही क्वेश्चन सेम दोहरा के C++ से पूछ लेता है, फिर आप सोचते हो कि ये तो C++ से पूछ लिया, फिर घुमा के जावा से पूछ लेता है, फिर आप सोचते हो कि ये तो जावा भी यूज़ कर रहा है।
तो वो सारा कंसेप्ट जो है वो ऊप्स का कंसेप्ट है जो तीनों लैंग्वेज के अंदर यूज होता है, तीनों लैंग्वेज में किसी भी प्रकार से यूज किया जा सकता है। और उस ऊप्स के कंसेप्ट के अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे, ये जो यूज हो रहे हैं जिस प्रकार का ये प्रश्न हमने क्वेश्चन अभी किया है, ये जो यूज हो रहा है ये क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ ऑपरेटर से, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, कोई भी दो ऑपरेंड जब हम लिखते हैं ए और बी, दो ऑपरेंड है ये ऑपरेंड, इनको जोड़ने वाला या इनके ऊपर वर्क करने वाला ऑपरेटर कहलाता है ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेंड हैं और बीच के अंदर ऑपरेटर है। तो कौन सी लैंग्वेज में कितने ऑपरेटर यूज होते हैं और उनका क्या वर्क होगा, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बार बार। तो किस तरीके से क्या क्वेश्चन है, कितने ऑपरेटर हैं देखते हैं। पहला ऑपरेटर करते हैं हम, आप किसी लैंग्वेज पे मत जाना, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। अगर लैंग्वेज पे जाओगे कि सी के ऑपरेटर करने हैं हमने, तो सी के अंदर आपको ऑपरेटर जो मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑपरेटर मिलेंगे। पाइथन में जाओगे तो पाइथन में थोड़ा सा एक दो ऑपरेटर जो है डिफरेंट मिलेगा आपको। जावा में जाओगे डिफरेंट ऑपरेटर मिलेगा आपको, एक दो डिफरेंट मिलेंगे और सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इससे बेटर है कि आप ये इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज़ को कि किस तरीके से क्या पूछा गया था, कहाँ से आया था। पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम मैथ के अंदर पढ़ते ही आए हैं, कौन से हैं, बोर्ड मास में जो यूज होते हैं वो सारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं हमारे। लेकिन लैंग्वेज के अंदर वो किस प्रकार से यूज होंगे और उनमें और कौन से ऐड हैं अर्थमेटिक के अंदर, वो चीज हम यहां देख लेते हैं थोड़ी सी। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपका डिवीजन है, जिसे हम डिवीजन कहते हैं, डबल स्लैश है जिसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं, फ्लोर डिवीजन। एस्ट्रिक्स है जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई। प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस। एक ऑपरेटर और है लैंग्वेज के अंदर जो यूज होता है, डबल एस्ट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं रेज पावर, रेज पावर, जिसको हम कहते हैं रेज पावर। ये इस प्रकार से ये ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। अब इनका कहां क्वेश्चन आएगा, आपको आपने पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन में एक ये यूज किया हुआ था एक क्वेश्चन के अंदर, और किस प्रकार से यूज किया था, इसका यूज क्या था, 3.0 ही क्यों लिखा उस क्वेश्चन के अंदर, 3 में कुछ और वैल्यू क्यों नहीं लिखी, वो हम सभी चीजें देख लेते हैं। प्लस आपको अच्छे तरीके से आता है, किसी भी वैल्यू को प्लस करने में काम आता है प्लस। सपोज कि हमने लिखा है ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 0, और हम ये लिख रहे हैं कि सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, या ए प्लस बी, या ए मल्टीप्लाई बी। इस तरीके से जो भी आंसर आएगा आपको पता ही है, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आप करते रहते हो। ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, ये आपका अर्थमेटिक, ये बचे दो चीज, इनका देख लेते हैं कि किस प्रकार से यूज होते हैं। ये डिवीजन वाला एक बार देखना जरूरी है कि डिवीजन किस प्रकार से यूज होगा, और डिवीजन और ये फ्लोर डिवीजन, इसमें अंतर क्या है फ्लोर डिवीजन के अंदर और डिवीजन के अंदर। सपोज कि ए के अंदर जो वैल्यू है हमारी वो है 15.9, बी के अंदर जो वैल्यू है हमारी वो है हमारी 3 वैल्यू है। अब इसका प्रयोग किए, सबसे पहले ए डिवीजन बी अगर हम करें तो रिजल्ट क्या रहेगा, और ए डबल स्लैश बी हम करें तो रिजल्ट क्या रहेगा, फ्लोर डिवीजन जिसको हम कहते हैं। एक ऑपरेटर रह गया सॉरी इनमें, जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर कहेंगे, आप ये भी नोट कर लीजिए रिमाइंडर। ये सारे ऑपरेटर इसके अंदर आ गए हैं, आप इनको बारी बारी से समझिएगा अच्छे तरीके से।
स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने इन ऑपरेटर्स को, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इनका इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा देखते हैं अभी। अब इसको ए को बी से डिवाइड करेंगे, बी से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो सेम अर्थमेटिक जैसे अर्थमेटिक में रहता है आपका वो सेम रहेगा, क्या रहेगा 15.9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5.3, आंसर आएगा 5.3 डिवीजन ऑपरेटर से। ध्यान दीजिएगा डिवीजन ऑपरेटर से जो आंसर आएगा वो 5.3 आएगा। लेट मी रेज समथिंग आफ्टर दैट। इसके बाद अगर हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लीजिए कि 15.9 डबल स्लैश मींस फ्लोर डिवीजन 3 इज इक्वल टू व्हाट, क्या आंसर आएगा। अगर इसका आंसर देखा जाए तो 5.0 आंसर आएगा, ये फ्लोर करके वैल्यू को शो करेगा। इसमें अंतर देखिए, इसमें आंसर जो आया था 5.3 आया था डिवीजन के अंदर, इसमें जो आंसर आया वो फ्लोर डिवीजन के अंदर 5.0 आंसर आया है। ये जो है फ्लोर यूज होता है इस तरीके से, वैल्यू को जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है उसको कम करके शो करता है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। और ये पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है कोई भी वैल्यू हो, इसलिए पॉइंट के बाद की भी जो वैल्यू होगी उसको भी ये डिवाइड करके आंसर दिखाएगा। तो ये इसमें और इसमें ये अंतर है, आप समझिए इस चीज़ को। और जो डबल स्लैश है आपकी उसको अच्छे तरीके से समझना, इसको फ्लोर डिवीजन बोला जाता है, फ्लोर डिवीजन ये इस तरीके से वर्क करता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे अभी आपसे पूछा गया था कि इनमें से 3.0 में से कौन सा फ्लोर डिवीजन है, तो डबल स्लैश है। फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, हो सकता है आपको अगले पेपर में वैल्यू दे दे, वैल्यू क्या दे दे कि आपने जो है इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 9.3 को फ्लोर डिवीजन 3 से अगर आप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हो सकता है इस तरीके से पूछ ले 9.3 डिवीजन अकेला 3 से करें तो क्या आंसर आएगा। तो आप इसको कीजिए कि किस तरीके से क्या आंसर आएगा, इसमें देखिए एक बार क्या आंसर आएगा, 3 1 जा 3 2 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 पॉइंट, 3 1 जा 3 3.1 आएगा। अगर इसका आंसर देखेंगे हम 3 3 जा 9.0 आंसर आएगा, क्योंकि ये जो कन्वर्ट किया गया है ये फ्लोर डिवीजन के अंदर कन्वर्ट किया गया है, फ्लोर डिवीजन हमेशा से इसका आंसर है जो इस प्रकार आएगा फ्लोर डिवीजन का, और जो अकेला डिवीजन है उसका आंसर इस प्रकार आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, और इसी प्रकार से आपने मतलब इसको ध्यान से देख के एक बार समझना है कि किस तरीके से हमने किया है, क्योंकि फिर बाद में आप किसी भी बुक में पढ़ते हो उसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको अच्छे तरीके से कई बार नहीं समझ में आता। आप अगर नहीं, आपको थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा थोड़ा सुधार करने की कोशिश की जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं, हमने ऑपरेटर किया डिवीजन, ऑपरेटर किया फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, अब रह गए ये दो ऑपरेटर, इनको अभी कर लेते हैं। देखिए इनका यूज किस प्रकार से होगा, जो डबल स्टार लगाए गए हैं इसका मतलब है रेज पावर। रेज पावर का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा मैथ में हमेशा लिखते हैं हम, अगर किसी तरीके से लिखते हैं तो x की पावर 2 अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो अगर कंप्यूटर में लिखा जाएगा पाइथन लैंग्वेज के अंदर स्पेशली, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा डबल स्टार 2। तो अगर कहीं आपको यह चीज लिखी मिलती है तो आप समझ जाना कि इसका मतलब जो है वो क्या है, एक्स की पावर 2 है। सुपोज कि आपको वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है, वो कहता है कि 3 star star 2, तो इसका मतलब रहेगा 3 power 2। आंसर क्या आएगा, मैथ में आपको अच्छे तरीके से पता ही है, 3 3 जा 9 9 जो है आंसर आ जाएगा। तो ये डबल स्टार है जो इस प्रकार से यूज होगा, कभी भी डबल स्टार लगा के पूछ सकता है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 ऑपरेटर पूछ चुका है पहले ऑलरेडी। अब जो रहते हैं ऑपरेटर वो 2-1 ऑपरेटर रहते हैं जिनका पूछने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि लगभग हर साल के 1-2 पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर से ही। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिमाइंडर। रिमाइंडर किस प्रकार से वर्क करता है,
रिमाइंडर के बारे में पहले आपको बता दें कि ये प्रतिशत का निशान होता है मैथ के अंदर, लेकिन अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो ये रिमाइंडर का निशान होता है। रिमाइंडर का मतलब है हिंदी में अगर देखें तो शेषफल, शेषफल। जहां ये लग जाएगा दोनों वैल्यू के बीच में, तो हमने बताना होगा कि उसको डिवाइड करके शेषफल कितना आया। अभी देख लेते हैं इसके लिए कि किस प्रकार से यूज होता है ये। सपोज कि ए बराबर है 20 और बी इज इक्वल टू 2, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और इस तरीके से इसको यूज करके बता रहा है कि ए रिमाइंडर बी इज इक्वल टू व्हाट, कि ए को बी से भाग करके कितना रिमाइंडर आएगा। तो हम 20 को जो है 2 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिख देंगे। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई जरूरी नहीं ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 2 है। अगर इस तरीके से लिखा है ए रिमाइंडर बी इज इक्वल टू व्हाट, देन आंसर क्या होगा? 3 को 2 से भाग कर देंगे और आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये शेषफल है जो वो यहाँ राइट करना होगा, 1 आंसर आएगा। तो ये जो ऑपरेटर है मैथ में प्रतिशत का निशान होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये रिमाइंडर का निशान होता है। ये प्रोग्राम में भी यूज किया मिलेगा आपको, ये भी प्रोग्राम के अंदर यूज किया मिल सकता है, सिंपली भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार का भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? सपोज कि इसमें से पूछ लेगी इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। सपोज कि जो ऑप्शन होंगे वो आपके इस प्रकार से होंगे, नॉट बी डबल स्लैश सी स्लैश और डी डबल स्टार। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो कंप्यूटर का है। फिर आप जाएंगे कि अगर आपने ये डबल स्लैश नहीं पढ़ा होगा, फ्लोर डिवीजन नहीं पढ़ा होगा, डबल एस्ट्रिक्स नहीं पढ़ा होगा, डबल स्टार नहीं पढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, तो आपका जो निशाना जाएगा वो इन पे स्पेशली जाएगा कि ये नहीं हो सकता, ये भी लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये भी लगता है कि नहीं हो सकता। ये तो है ही, ये आपको मैथ में पता ही है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो वो कौन सा नहीं है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमने अभी तक इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये नहीं आता। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 ऑपरेटर जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। प्लस माइनस इजी है, आप कर ही सकते हो। मल्टीप्लाई इजी है, आप मैथ में करते ही हो। डिवीजन इजी है, आप वो भी मैथ में करते हो। थोड़ा सा जो डाउटफुल रहता है, थोड़ा सा जो समझ में आने की कोशिश करते हैं, वो ये वाली चीज़ है, फ्लोर डिवीजन, रेज पावर और रिमाइंडर। इनको अच्छे से तरीके से कीजिएगा। अगर किसी को ना समझ में आए दोबारा से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, फिर भी ना समझ में आए हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं बिल्कुल, कमेंट कीजिएगा, दोबारा से कोशिश करेंगे आपको और आसान तरीके से समझाने की। तो ये आज का जो अपना टॉपिक था वो अर्थमेटिक ऑपरेटर का टॉपिक था। ऑपरेटर पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में हर बार हम ऑपरेटर पढ़ेंगे, और 6-7 ऑपरेटर हैं ये, क्योंकि कि हर किसी ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछा गया है। जो वो क्वेश्चन पूछा गया था असाइनमेंट ऑपरेटर वाला, कि इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ये इससे आगे हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद जो ऑपरेटर आएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका घर बैठे फ़ायदा उठाने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसी आपको हमारी वीडियो लगी। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।